कहते हैं लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन वही खाना आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए तो? खाने के बाद पेट की समस्या होने लगे तो सब अस्त व्यस्त लगता है। दरअसल हमारे जहनी सुकून, दिमागी सेहत का हमारे पेट से गहरा नाता है। पेट ठीक नहीं रहता तो कुछ भी ठीक नहीं लगता। सोचिए, इस पेट की समस्या से कोई 50 साल से जूझ रहा है तो? किसी को खाना खाकर मजा नहीं सजा लगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, इंसान परेशान होगा। ऐसे ही पेट की बीमारी से लखनऊ के रहने वाले आरबी वर्मा पिछले 50 साल से ग्रसित हैं। हालांकि वो अब इससे 99% ठीक हो चुके हैं। कैसे, आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी। ये है लखनऊ के रहने वाले पूर्व एडिशनल कमिश्नर आरबी वर्मा। उम्र 65 साल। भरा पूरा इनका परिवार है। परिवार में पत्नी, दो बेटे, एक बेटा बैंक में मैनेजर है तो वहीं दूसरा बेटा जज की पोस्ट पर है। बेटी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रोफेसर है। परिवार से आरबी वर्मा को बेहद प्रेम और लगाव है। परिवार के लिए जो आरबी वर्मा शहद के जैसे मीठे हैं, वो अपराधियों के लिए काल जैसे हैं। आरबी वर्मा आज भी बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों की बोलती बंद करने की हिम्मत रखते हैं। इन्हें इनकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता है। जब आरबी वर्मा एडिशनल कमिश्नर के पद पर रहे, उस दौरान उन्होंने अपराधियों पर बेहतरीन तरीके से काबू किया। आपराधिक गतिविधियों को रोकने, अपराधियों की खोजबीन कर उनको सजा देना बखूबी आता है। लेकिन आरबी वर्मा कहीं चूके तो वो अपने पेट के अंदर छुपे अपराधी को पकड़ने में। हमको जो है पेट संबंधित बीमारी रही है और कोई दिक्कत नहीं रही। हमारा कभी भी जो है पेट सही नहीं रहा। हमारे परिवार में बहुत सीनियर डॉक्टर भी हैं, हमारे छोटे भाई, तो एलोपैथिक दवाएं खाने के लिए मतलब बहुत दिनों तक हमने खाया, लगभग 50 साल तक खाया होगा, लेकिन पेट हमारा कभी ठीक नहीं हुआ। आयुर्वेद की दवाएं भी हमने खाई हैं, उनसे फ़ायदा बहुत हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। और पहले हमें दिक्कत ये रहती थी, वैसे हमारा गाल ब्लैडर भी निकला हुआ है, 1997 में ऑपरेटेड हूँ, तो कुछ जैसे गरिष्ठ भोजन तो कभी नहीं खाता हूँ, लेकिन हमको ये होता था कि हर 3 महीने के बाद एसिड बन जाता था पेट में ज़्यादा, और मुझको उल्टी हर हालत में होती थी, यानी पूरी रात मुझे जो है उल्टी होती रहती थी। दरअसल आरबी वर्मा पिछले 50 साल से पेट की समस्या से परेशान थे। हर 3 महीने पर इन्हें गंभीर पेट की समस्या होती, एसिडिटी और गैस से असहनीय दर्द। लेकिन हिम्मत देखिए, उस स्थिति में भी वो फर्ज और ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। जब तकलीफ बढ़ती, आरबी वर्मा दवाई लेते। फौरी तौर पर बीमारी ठीक हुई, लेकिन जैसे ही दवाई बंद की, बीमारी फिर लौट आई। पेट की प्रॉब्लम अगर कहें तो मोर देन 50 ईयर्स तो मुझे याददाश्त में है, और 65 ईयर्स से ज्यादा की हमारी उम्र है, तो 50 साल तो पक्का है कि मेरा पेट कभी ठीक नहीं हुआ। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कहीं से सटीक इलाज नहीं मिल पाया। आरबी वर्मा बताते हैं कि उनके सगे भाई बड़े डॉक्टर हैं, उनके सुझाई गई दवाइयों को भी उन्होंने लिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। आरबी वर्मा ने ये मान लिया कि पेट में घुसे इस अपराधी को किसी कानून के डंडे से नहीं निकाला जा सकता। इस दरमियान आरबी वर्मा टीवी के माध्यम से हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़े, और यहीं से शुरू हुआ उनके सेहतमंद जिंदगी का किस्सा। टीवी पर अक्सर एक चैनल से दूसरा चैनल बदलते हुए कभी मुझे हकीम साहब का प्रोग्राम दिख गया, तो प्रोग्राम तो मैंने 3-4 साल पहले भी देखा था, तो मुझे उसमें कुछ नहीं समझ में आया, और ये लगा कि जैसे हकीम साहब जो है वेस्टर्न टॉयलेट का प्रचार करने वाले हैं, तो फिर छोड़ दिया, प्रोग्राम नहीं देखा। लेकिन इधर कोरोना काल में चूंकि घर ही में रहना था, बाहर जाना नहीं था, तो प्रोग्राम को मैंने कई बार देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि यार जैसे भाई मैं सच्चा आदमी हूँ और ये भी एक कोई सच्चे इंसान ही लगे। अन्य लोग किट विट बेचते हैं तो मैं उनको कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। ये मेरी समस्या तो केवल पेट की थी, लेकिन हमारी मिसेज को अर्थराइटिस की समस्या थी, रिमटाइड अर्थराइटिस,
जिसके कारण से एलोपैथिक दवाएं काफ़ी दिनों तक इन्होंने यूज किया, 2-2.5 साल, और इनका वेट भी बढ़ता था, 75 एंड समथिंग हो गया था, और इनको यूटीआई की भी प्रॉब्लम हो गई। फिर मुझे परेशानी महसूस होने लगी कि अब तो इनका एलोपैथिक से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। तो प्रोग्राम देख करके हकीम साहब का मुझे अंदर से ऐसी मतलब इंट्यूशन हुआ कि अब इनको यूनानी का ट्रीटमेंट भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने जो है लखनऊ में इनका क्लिनिक है कि नहीं है इस बारे में सर्च किया, तो सर्च करने पर मुझे एड्रेस मिल गया, फ़ोन नंबर मिल गया। मैंने फ़ोन नंबर से मतलब पूछा कहाँ पर है क्या, तो फिर उसके बाद मैं वहाँ गया तो डॉक्टर जफर से मेरी मुलाकात हुई, उनकी बातों से मैं संतुष्ट हुआ। फिर कुछ रॉ मटेरियल भी मैं लाया, गोंद मोरिंगा, जैतून का नमक, कलौंजी नमक, और इस तरह से काला गोंद है, और दवाएं जो उन्होंने पी केयर, यस केयर, और जॉइंट फोर्ट, ये मैडम के लिए बताइए इस तरह से, तो सब चीज़ें लाया और यूज किया। तो 1.25 साल में मिसेज को जो है करीब 80% फायदा हो चुका है, और चलने फिरने में उनको कोई अब दिक्कत वैसी नहीं है। आरबी वर्मा ही नहीं, उनकी पत्नी को भी हकीम सुलेमान खान साहब आशीर्वाद के रूप में मिले। दरअसल पिछले कई सालों से आरबी वर्मा की पत्नी कृष्णा वर्मा भी आर्थराइटिस से पीड़ित थी, वजन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। जब कृष्णा वर्मा ने अपने पति को ठीक होते हुए पाया तो उन्होंने भी नुस्खा आजमाना शुरू कर दिया, और फिर जो हुआ आप खुद सुनिए। हकीम साहब के जो भी नुस्खे मैंने करीब जो है 6 महीने लगातार उनका प्रोग्राम देखा है, और ऑलमोस्ट सारे नुस्खे उनके जी। मैंने अपनी डायरी में उतार रखे हैं, और अपने मित्रों, रिश्तेदारी या और जो हमारे परिचित हैं उन सबको मैंने नुस्खों के बारे में जानकारी भी दिया है। और जो लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनको नुस्खे बना करके भी दिया है, और अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने ये न कहा हो कि उसे फ़ायदा ना हुआ हो। फ़ायदा सभी को हुआ है। हमको इतनी तसल्ली मिलती है कि जैसे अगर देखा जाए कि इंसान के रूप में यदि आदमी किसी और के काम आ जाता है तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। 5-6 लोगों को किडनी की पथरी के लिए इलाज हो चुका है, और उनकी पथरी निकल गई है। गूलर के पत्ते, जैतून का नमक और नींबू का जो हकीम साहब बताते हैं उसका उसके द्वारा, तो काफ़ी लोग जुड़ भी गए। हमारे पिताजी 85 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, तो उनके पैर सूजे रहते थे, दर्द भी होता था, तो उन्हें गोंद स्याह से बहुत फ़ायदा हुआ है जी। काफ़ी और भी बहुत से रिश्तेदार हैं जिनको घुटने की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम या किडनी की स्टोन की प्रॉब्लम, ये हम करीब 25-30 लोगों पर तरह तरह के नुस्खे जो है उनको बता चुके हैं और उनको फायदा हो रहा है। आरबी वर्मा जितने निष्ठावान अपने प्रोफेशनल लाइफ में रहे उससे कहीं ज्यादा अपनी निजी जिंदगी में वो सेवा भाव रखते हैं। उन्होंने ठान लिया कि अब कोई भी गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति इलाज के अभाव में इधर उधर नहीं भटकेगा। उन्होंने खुद ही हकीम साहब के बताए नुस्खों को बनाना शुरू कर दिया और लोगों को बांटना शुरू किया। इतना ही नहीं, उनके दिए गए नुस्खों से 6 लोगों को किडनी की बीमारी में राहत मिली है। यदि आपको एक पद्धति, जैसे आप अंग्रेजी पद्धति जिसमें तत्काल फायदा होता है आप कर रहे हैं, और यदि आपको लग रहा है कि अब साइड इफेक्ट्स इसके हो रहे हैं या आपको उससे फायदा नहीं हो रहा है, तो मेरा अनुरोध है एक बार आप हकीम साहब की दवाओं का जरूर प्रयोग करके देखें। मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि मैं बहुत ही उच्च पद से रिटायर हुआ हूं, किसी के झांसे में आने वाला नहीं हूं, चाहे कोई हकीम, वैद्य कोई भी हो। हकीम साहब की दवाओं का मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया है, उसका फ़ायदा उठाया है। तो मेरा अनुरोध लोगों से यही है, एक बार कम से कम 2 महीने का टाइम हकीम साहब की दवाओं का ज़रूर दें। यदि उन्हें किसी परेशानी से निजात नहीं मिल पा रही है
दो महीने में कुछ न कुछ रिजल्ट उनको जरूर मिलेगा। हम सलाम करते हैं पूर्व कमिश्नर आरबी वर्मा के सेवा भाव को, जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों को घरेलू नुस्खों और आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए ठीक कर रहे हैं।